लेट अस डू नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं फटाक फटाक दिसी विद इजी कैलकुलेशन एंड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4. 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्वड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर. डिटरमाइन परसेंटेज 30 ग्राम ऑफ यूरिया. यूरिया मतलब सोल्यूट हो गया 30 ग्राम. हम लोग जानते हैं मास ऑफ यूरिया होता है 60 ग्राम पर मोल. तो मोल्स ऑफ यूरिया भी हमारा आ गया इस डेटा से, दैट इज 30/60 हाफ मोल. 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्वड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर का 45 ग्राम है. 45 ग्राम ऑफ वाटर डिटरमाइन फर्स्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. यानी कि ये आपका एक्स बी है, ये आपका एक्स ए एज जनरलाइज्ड नोटेशन. ओके फाइन, हम लोग करते हैं क्वेश्चन. देखो परसेंटेज वेट बाय वेट आपको दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट. तो पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो परसेंटेज वेट बाय वेट आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100. डेटा इज डायरेक्टली नोन टू अस. वेट ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया 30 ग्राम. ये 30 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट 45 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. आई ऑलरेडी सेड कि कैलकुलेशन में आसान ले रहा हूं. इट इज 4/3 एंड 3/10 जा. योर आंसर इज 40% बाय मास. सॉल्यूशन 40% बाय मास है, ये हमारा हो गया सिंपल. द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरे का वन में से माइनस कर देंगे क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है. ये आ गया, तो इससे हम एक चीज देख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. पानी है आपका सॉल्वेंट, तो 45 डब्ल्यू ए बाय एम ए 9/2 = 9.5 यानी कि 5/2 मोल हो गए. सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. डेटा हमारे सामने है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज 1/6. तो दोस्तों अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/6 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली 5/6 आ जाएगा. तो जस्ट वी आर यूजिंग द डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन. मैं बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से लेकर चल रहा हूं, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट सीइंग दिस वीडियो कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्वड इन सफिशियंट वाटर टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. देखो जी ये सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500 ml. ये आपका 0.5 लीटर भी हो गया. 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम है ग्लूकोज, C6H12O6 और मोलर मास 180 ग्राम पर मोल होता है इसका. 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्वड इन सफिशियंट वाटर टू फॉर्म 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन. इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन की डेंसिटी भी 1.18 ग्राम पर ml गिवन है. फाइंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
different parts are asked. First, what is molarity? Second, what is molality? Third, what is percentage weight by volume of solution? Fourth, what is strength of solution? Fifth, what is mole fraction of glucose? And last part is, what is percentage by weight of solution? So, let us do these questions one by one. हम लोग सबसे पहले मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं. फर्स्ट डेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट ये है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया WB by MB, it is 0.5. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है. तो सबसे पहले है, फर्स्ट पार्ट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका हाफ है एंड वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी आपका हाफ है, तो वन मोलर सॉल्यूशन हो गया. फर्स्ट पार्ट इज डन. सेकेंड, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये कर लेते हैं रिलेटिवली, फिर मोलरिटी पे आएंगे. सेकेंड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट पे चल लेते हैं डायरेक्टली. थर्ड वाला पार्ट है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml करोगे तो 100 आएगा. वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका 90 ग्राम. What is volume of solution? That is 500 ml multiplied by 100. This has gone 518. So your percentage by volume is 18%. Next is strength, fourth one. Strength percentage weight by volume multiplied by 10 करेंगे तो 180 ग्राम पर लीटर आ जाएगा. But by definition करें तो weight of solute volume ml per liter देखना है तो 1000. same की calculation आ जाएगी, 9500 ml है, ये 1000 आ गया, तो answer 180 gram per liter आ गया strength. अब हम बात करते हैं next part, molarity, mole fraction. जो mass temperature independent है ये तीन बच के. अब मोलिटी मोल्स कितने हैं डिवाइड बाय पर केजी ऑफ. अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, डेंसिटी की वैल्यू आपकी, डेंसिटी की वैल्यू है आपकी 1.18 1.18. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 590 ग्राम, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी. और डब्ल्यू बी हमें पता है 90 ग्राम है, तो डब्ल्यू ए आ गया आपका 500 ग्राम. अब हम कर सकते हैं, इसीलिए हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है सिक्स्थ वाला. तो परसेंटेज वेट बाय वेट हो जाएगा बाय डेफिनेशन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका 90 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन है आपका 590 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन 590 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, जीरो से जीरो गया, that is 900 by 59 percentage by mass. This is done. Now mole fraction and molality. अगर हम second वाला molality निकालें तो molality होती है moles of solute per kg of solvent. Moles of solute आप लोग जानते हैं half है,
सॉल्वेंट का मास कितना है आपका? सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम, ग्राम में पुट करोगे तो ऊपर 1000 आएगा, 2 यानी कि 1 मोलर आ गया। मोलरिटी इज आल्सो डन। नाउ नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बाइनरी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका हाफ, ये आ गया, तो यहां से मैं एम ए लिख सकता हूं 500/18, ये हो गया हाफ 500/18। दिस कैन बी रिटन एज 9/509, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इस वन में से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 500/509, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। द कंप्लीट क्वेश्चन इज कवर्ड, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5-6। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है आपका, मोलरिटी परसेंटेज बाय मास दे रखा है ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 98%। हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर एमएल। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दैट इज 98 ग्राम पर मोल। व्हाट इज आस्क, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालनी है, यू कैन डू इट इजीली। कैसे करोगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन भाई? एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ मास दे रखा है, मोलरिटी पूछा है, ये मास डिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट, डेंसिटी विल बी इन पिक्चर, डायरेक्ट रिलेशन। आईआईटी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। डायरेक्ट डेटा पुट कर दीजिए, ये 98 हो गया, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में ही दे रखी, अच्छी बात है, 10 के नाम का 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 98, दैट इज 98 हो गया, 1.8 मोलर आ गई। इसको आप परसेंटेज वाइज मास को 9.8 ले लो, थोड़ा आसान कैलकुलेशन रहेगा, 9.8 ले लें तो 9.8 ये चला जाएंगे दोनों के साथ और 1.8 मोलर आ जाएगी। मैंने डेटा इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत आ जाएगी, 18 मोलर विल बी बिग, तो 9.8 अगर हम करें, 9.8 डेंसिटी 1.8 है, 10 डिवाइड बाय एमबी 98 है, इट विल बी 1.8 मोलर। अगर हम बात करें मोलरिटी की, या बाय डेफिनेशन करना चाहो तो बाय डेफिनेशन कर लीजिए, बाय डेफिनेशन करना चाहो तो बाय डेफिनेशन कर लीजिए, दिस इज बाय द बेसिक रिलेशन फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला कर दिया। अगर 100 ग्राम टोटल है तो 9.8 ग्राम ये होगा और 90.2 ग्राम आपका वाटर रहेगा, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, द सेम न्यूमेरिकल कैन बी डन। वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स फर्दर ऑन, आगे हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर और करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ट्रप के ऊपर इन नेक्स्ट वीडियो।